और बात करेंगे लखनऊ से अहम खबर की। राज्यसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी जफर इस्लाम निर्वाचित। जी हां, बीजेपी प्रत्याशी जफर इस्लाम निर्विरोध निर्वाचित। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर लेंगे प्रमाण पत्र। और अब से थोड़ी ही देर में प्रमाण पत्र लेने विधानसभा पहुंचेंगे बीजेपी पदाधिकारी। ये बड़ी खबर राज्यसभा सीट पर। दरअसल जफर इस्लाम के सामने जो दो कैंडिडेट्स उतारे गए थे, उसके बाद निर्दलीय का पर्चा खारिज होने के बाद और बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट का नाम वापस लिए जाने के बाद, जाहिर तौर पर रास्ता पूरी तरह से जफर इस्लाम का क्लियर हो गया और अब निर्विरोध वो निर्वाचित हो गए हैं। अब से थोड़ी देर में प्रमाण पत्र लेने के लिए विधानसभा पहुँचेंगे बीजेपी पदाधिकारी। राज्यसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी जफर इस्लाम, जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर प्रमाण पत्र लेंगे इसके मद्देनजर, और अब से थोड़ी देर में प्रमाण पत्र लेने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे बीजेपी पदाधिकारी। जी हां, तमाम तरह के कयास इस सीट को लेकर लगाए जा रहे थे। अमर सिंह के निधन के बाद ये सीट जो खाली हुई, इस पर उपचुनाव के मद्देनजर अब तजेट लेटेस्ट जानकारी, जफर इस्लाम निर्विरोध निर्वाचित हो गए। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मिली अंतरिम जमानत। जी हाँ, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने दी 2 महीने की अंतरिम जमानत। 5 लाख का पर्सनल बॉन्ड और 2 जमानतदारों की शर्त के साथ उन्हें जमानत मिली है। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 2 महीने की अंतरिम जमानत को मंजूरी दी। रेप के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद है, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर हालांकि वो बाहर नहीं जा सकते, इस बात की उन्हें इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। तो 2 महीने की अंतरिम जमानत प्रजापति को मिल गई है। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। 2 महीने की अंतरिम जमानत हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की तरफ से प्रजापति को दे दी गई है, और क्या अपडेट वाजपेयी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, अगर हम बात करें पूर्व मंत्री जो सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति, लगातार लंबे समय से जेल में बंद थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपना बड़ा समय लखनऊ केजीएमसी में भर्ती होकर भी बिताया, जिस पर लगातार उनके ऊपर आरोप भी लगे कि वो बीमारी का बहाना बनाकर लगातार भर्ती है। लगातार मामले की जांच चलती रही। फिलहाल हाईकोर्ट ने उनको 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। ये अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ उनको दी गई है, जिसमें 5 लाख रुपए का बॉन्ड उन्होंने भरा है, साथ ही साथ 2 जमानतदारों के आधार पर उनको यह जमानत मिली है। इस दौरान वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे और देश में ही रहेंगे और जांच के लिए जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर प्रस्तुत होंगे। ये बहुत सारी ऐसी शर्तें उस अंतरिम जमानत में रखी गई हैं, लेकिन ये जरूर है जहां गायत्री प्रसाद प्रजापति लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको रेप के मामले में राहत मिले, उनको जमानत दे दी जाए, तो अब हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के तौर पर 2 महीने का समय उनको फिलहाल दे दिया है। अब ये जरूर गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए बड़ी बात है, क्योंकि लगातार कोशिश के बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही थी, उनकी जमानत अर्जी खारिज हो रही थी, लेकिन अब 2 महीने की जमानत हो गई है तो वो सशर्त रहेगी, लेकिन अब फिलहाल वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे और जल्दी ही ये आदेश संबंधित जेल को भेजा जाएगा, जिसके बाद उनकी रिहाई फिलहाल 2 महीने के लिए कर दी जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इसके वाजपेयी इस पूरी बातचीत के लिए। खबर लखनऊ से ही, जहां कृषि कारोबार में इंस्पेक्टर राज खत्म करेगी योगी सरकार। जी हां, खाद बीज का व्यापार करने वाले व्यापारियों को राहत मिलेगी। बार बार लाइसेंस नवीनीकरण की बाध्यता से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तैयार किए गए प्रस्ताव की मुख्यमंत्री सचिवालय फिलहाल समीक्षा कर रहा है। जल्द ही सीएम योगी करेंगे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से विचार विमर्श इस पूरे फैसले के मद्देनजर, और विचार विमर्श के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इसे मंजूरी देंगे और उसके बाद फिर आगे इसे फॉरवर्ड किया जाएगा। इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसला जल्द ही लिया जा सकेगा। फिलहाल विचार विमर्श की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विचार विमर्श के बाद, उनकी मंजूरी के बाद ये अंतिम रूप अपना लेगा। फिर बार बार लाइसेंस रिन्यू की बाध्यता से मुक्ति मिल जाएगी, इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तैयार किए गए प्रस्ताव की मुख्यमंत्री सचिवालय फिलहाल समीक्षा कर रहा है, और जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद फिर जैसे ही सीएम योगी की हरी झंडी मिल जाएगी, उनकी मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद फिर आगे इसे फॉरवर्ड किया जाएगा। खाद बीज का व्यापार करने वाले व्यापारियों को इस तरह से ये राहत मिलने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, अभी
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही विचार विमर्श करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, तमाम फैक्टर्स उनके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद जब सीएम योगी की मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद व्यापारियों को ये बड़ी राहत मिल पाएगी। स्टेट हेड हमारे साथ यूपी के राजेंद्र कुमार जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख करते हैं। राजेंद्र जी, कितनी बड़ी राहत ये व्यापारियों के लिए मानी जाए, हालांकि इसमें अभी समय है, विचार विमर्श होगा, पहले कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विचार विमर्श करेंगे, अपनी मंजूरी देंगे, उसके बाद ही आगे से पारित किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार कृषि कारोबार को बहुत व्यवस्थित करना चाहती है और इसमें जो बार बार बीच में कालाबाजारी वगैरह जो होती है उसको खत्म करने के लिए इस तरह का कवायद की जानी है कि हम बार बार लाइसेंस के लिए आपकी दुकान को चेक न करें, आप ईमानदारी से अपना काम करें और जो नियम कायदे हैं उसके तहत अपना व्यापार करें। ये सोच केंद्र सरकार ने 2 साल पहले की थी जब ये केमिकल वगैरह के जो होते हैं जैसे पेस्टिसाइड जो कह लीजिए कि खेती में यूज होते थे, खासतौर जैसे आपके यहाँ दीमक लग जाता है तो दीमक लगने में जो खाद जो पेस्टिसाइड दिया जाता है उसके भी कारोबार पे इसी तरीके की थी कि लाइसेंस बार बार रिन्यू किया जाते करने को लेके वहाँ भी इंस्पेक्टर चेक करने जाते थे और वहाँ कंपटीशन नहीं था इसकी वजह से। तो फिर इसकी को देखा कि उन्होंने ये अगर हमें कंपटीशन करना है, व्यापार को बहुत साफ सुथरा बनाना है तो हम ये इंस्पेक्टर आज सब करेंगे तो और लोग नए लोग इस क्षेत्र में आएंगे और नए तरीके का कारोबार करने का प्रयास। अभी फिलहाल अंतिम स्टेज में पहुंचने में इस प्रोसेस को कितना समय लगेगा, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? इसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे और उस 2 महीने के भीतर ये जो व्यवस्था है इन चीजों को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी जानकारी। वही आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास योजनाओं को लेकर सीएम योगी एक मीटिंग करेंगे। इस समीक्षा मीटिंग में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। शाम 6 बजे का समय रखा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, सहारनपुर मंडल की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की, जरूरी दिशा निर्देश इसके मद्देनजर उनकी तरफ से दिए गए। कल अयोध्या मंडल की समीक्षा शाम 5:30 बजे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी और आज बारी है चित्रकूट मंडल की समीक्षा करने की। आज शाम 6 बजे का समय रखा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सारी डिटेलिंग संबंधित अधिकारियों से लेते नजर आएंगे और उसके आधार पर आगे की फिर दिशा तय की जाएगी, आगे दिशा निर्देश उसी के मुताबिक दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूरे तरह से एक्टिव मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। सहारनपुर मंडल के बाद अयोध्या मंडल और आज बारी है चित्रकूट मंडल की समीक्षा की। यहाँ पर विकास कार्य कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ कुछ कमी पेशी है, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, इसके मद्देनजर आज ये समीक्षा बैठक शाम 6 बजे होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे को पकड़ने वाले से पूछताछ की जाएगी। विकास दुबे को पकड़ने वाले गार्ड और पुलिस से न्यायिक टीम पूछताछ करेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। कल इटावा में न्यायिक टीम ने इस मामले की पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी न्यायिक कमेटी की टीम जांच कर रही है और जांच पड़ताल में फिलहाल इस स्टेज तक टीम पहुंच गई है। तो विकास दुबे को पकड़ने वाले से अब पूछताछ होगी। जी हाँ, उज्जैन मंदिर में जिस गार्ड ने पकड़ा था और जिन पुलिसकर्मियों ने विकास दुबे को सबसे पहले पकड़ा था उनसे पूछताछ की बात कही गई है। न्यायिक टीम उनसे पूछताछ करेगी, सारी डिटेलिंग लेगी। खबर गाजियाबाद से, धरने पर बैठी महिला की तबियत खराब होने की जानकारी है। दरअसल पेरेंट्स एसोसिएशन की महिला सदस्य की तबियत खराब हो गई। 2 दिनों से लगातार पेरेंट्स का यहाँ पर
प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांगों को उच्च अधिकारियों तक, संबंधित अधिकारियों तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल होता हुआ कुछ नजर आ नहीं रहा है। इन्हें मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, वो भी लेटर ड्राफ्टिंग की बात कहते हुए कहा जा रहा है इन तमाम पेरेंट्स को कि ये अपना धरना समाप्त कर ले, लेकिन अपनी मांगों पर ये पेरेंट्स अड़े हुए हैं और पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछौर में अवैध शराब के 8 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस छापेमारी में 80 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और तस्करों से फर्जी नंबर की गाड़ी और बाइक भी बरामद हुई है। इसके अलावा तस्करों से तमंचे और कारतूस भी बरामद होने की खबर है। नाटोर पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त टीम में अंतर प्रांतीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 4 तस्कर हरियाणा के और 4 बिजनौर जनपद के धामपुर सोहरा आदि इलाके के हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी यह है कि हरियाणा से पानीपत से ये शराब लेकर के 2 गाड़ियों में, एक शिफ्ट में, एक I-20 गाड़ी में लेकर के चले। यहाँ जो डिलीवरी देनी थी, रजनीश जो सोहरा के हैं, शेर सिंह अमीनाबाद नाटोर के और हरगोविंद सिंह जलालपुर के, इनको यहाँ डिलीवरी देनी थी। पुलिस को सूचना मिली, इनको ट्रैक किया, इनकी गिरफ्तारी और कब्जे से 80 पेटी लगभग 5 लाख की शराब बरामद हुई है। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन और 5 तमंचे। तो बुलंदशहर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। बुलंदशहर के नरोरा में परमाणु विद्युत केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए भीड़ एकत्रित हुई और बिना मास्क लगाए यहां पर लोग खड़े हुए नजर आए। विद्युत केंद्र में कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नजर नहीं आई। यानी कि देखिए, एक तरफ तो संक्रमण के आंकड़े जो बढ़ते हुए दिखते हैं वो भयावह स्थिति की तरफ इशारा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही का आलम कुछ इस कदर। ये देखिए कैसे खुले बिना मास्क के इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आधार कार्ड में संशोधन कराने के लिए भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। ठीक है, आपको ज़रूरी काम है, आप आइए, लेकिन कम से कम नियमों का ध्यान तो रखें, कम से कम मास्क और सैनिटाइजेशन का तो ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ यहाँ दिख नहीं रहा। खड़े यहाँ पे किस लिए आए? आपको आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं और महामारी चल रही है, आप पे किसी पे मास्क है? और किस तरीके से चिपट कर खड़े हैं आप? कब से खड़े हैं? कल सर सुबह से खड़े हैं, मतलब कल शाम आ गए थे, अगले दिन और पूरी रात हो गई बच्चों के साथ। कहाँ से आए हो आप? मैं रामपुर से हूँ, बाकी सब अलग अलग गाँव से है। कल सुबह से यहीं पड़े हो? कल सुबह, मतलब कल सुबह से नहीं, कल शाम से सर, कल शाम से। और इतनी है, आप लाइन देख लो, 50-90 लोग होंगे और कुछ लोग यहाँ वैसे ही मतलब वो कर रहे हैं, जगा ले रहे हैं, मतलब आधार कार्ड पूरा काम नहीं हो रहा अच्छे से। आप वहीं गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष सामने आया। थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई और इसी बात से नाराज पक्ष ने मारपिटाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपिटाई हुई। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, और मारपिटाई में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पक्षों की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। खोडारे थाना क्षेत्र के खुरैया की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल एक पक्ष की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई थी, जिसके बाद दूसरा पक्ष नाराज हो गया, उसे ये नागवार गुजरा और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हो गई, लाठी डंडे चले। ये देखिए किस तरह से मारपिटाई हुई यहाँ पर, एक व्यक्ति जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। महिलाएं भी नजर आ रही हैं, कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं और युवा भी नजर आ रही है। देखिए दोनों पक्षों के बीच जमकर ये मारपिटाई वहां होती रही। गोंडा से खबर है, रास्ते के विवाद को लेकर दरअसल 2 पक्षों के बीच ये खूनी संघर्ष। थाने में शिकायत से नाराज पक्ष ने मारपिटाई शुरू कर दी, फिर दोनों पक्ष के लोग आपस में टूट पड़े। 2 पक्षों की मारपीट का ये वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, और खोडारे थाना क्षेत्र के खुरैया की ये घटना बताई जा रही है, जहां ये मारपीट हुई।